मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के जो चैप्टर मैंने कल स्टार्ट किया था उसका अगला टॉपिक लेने जा रही हूँ। वो टॉपिक का नाम है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, हम लोगों ने ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर पे देख लिया था कि ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या काम करता है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फिजिशियन को, और इनको इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड करेगा? फार्मासिस्ट, फार्मेसी की लाइब्रेरी और न्यूज सोर्सेज से वहां पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसके बारे में? मेडिसिन के बारे में, उनके साइड इफेक्ट के बारे में, उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, ये सब हम लोगों ने कल ही देख लिया था। आज हम देख रहे हैं कि ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब क्या होता है? एक न्यूज लेटर जो पब्लिश किया जाता है, एक बुकलेट जो पब्लिश किया जाएगा, पब्लिश फॉर्म में रहेगा, जिसको पढ़कर फार्मासिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा किसको? फिजिशियन को। और जिसको पढ़कर फार्मासिस्ट, नर्सेस, साइमल्टेनियसली फार्मासिस्ट भी अपग्रेड होंगे। जो बाहर जो चल रहा है, न्यूअर मेडिसिन आ रहे हैं, न्यू रिसर्चेस हो रहे हैं, जो भी अपग्रेडेशन है वो उनको हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो वो है BIB। उसके हम लोग देखने वाले डेफिनेशन, फंक्शन और क्वालिफिकेशन, कौन से क्वालिफिकेशन उसमें होने चाहिए ये परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। टॉपिक का नाम है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, ये क्या होता है डेफिनेशन में देखेंगे। इट इज अ पीरियोडिक बुलेटिन, पब्लिश बुकलेट बाय BIC के द्वारा ही पब्लिश किया जाता। ये एक पीरियोडिक बुलेटिन है। पीरियोडिक का मतलब होता है समय समय पर आने वाला, जैसे कि 15 दिन का होगा, वापस से 15 दिन में आएगा, या मंथली होगा या क्वार्टरली होगा। इस तरीके से आपको एक पब्लिश बुलेटिन हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया BIC से प्रोवाइड होने वाला ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सारे इन्फॉर्मेशन कंपाइल करने के बाद ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर से एक बुकलेट पब्लिश किया जाता है पीरियोडिकली। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या रह सकता है? इसमें रह सकता है डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन, कौन सी नई मेडिसिन निकली है, न्यू रिसर्चेस कौन से हुए हैं, न्यू एनालिटिकल प्रोसीजर कौन सी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे, पहले कोरोना के लिए टेस्ट अलग अलग तरीके से की जाती थी, अभी उन्होंने और इजी मेथड निकाल लिए। मतलब क्या होगा? न्यू एनालिटिकल प्रोसीजर, नई तकनीक और फास्ट रिजल्ट देने वाली तकनीक आ गई, टेक्निक्स आ गई है। तो ये सब पढ़कर फिजिशियन कैसे अपग्रेड होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, ये सब अपग्रेड होंगे। तो ये सब कुछ उनको अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ DIV। फंक्शंस ऑफ DIV में क्या है? इन्फॉर्मेशन सेंटर जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई है, लेकिन वो हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंचेगी कैसे? बाय बुलेटिन। तो ये कैसे काम करता है? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन DIC एंड हेल्थ प्रोफेशनल, इन दोनों के बीच का लिंक का काम करता है DIV। ठीक है, नाउ प्रोवाइड करंट अपडेट्स अबाउट इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, मतलब हेल्थ वाली, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर बाहर आई है, उसकी लेटेस्ट अपडेट देना इस बुलेटिन का काम है। ठीक है, प्रोवाइड करंट अपडेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज चैनल के सब ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, वैसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में अवेयर करेगा फिजिशियन को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को। समझ में आ गया? नाउ थर्ड है प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। जैसे कोई नया ड्रग आने वाला है मार्केट में, उसके एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करेगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि उस ड्रग का किस तरीके से टेस्टिंग की गई है, उस ड्रग का क्या इफेक्ट है, शॉर्ट समराइज फॉर्म ऑफ दैट ड्रग मींस एब्स्ट्रैक्ट। प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, कोई नई ड्रग आ गई है तो उसके बारे में सारी जानकारी देना। फोर्थ नंबर पे है गिव डिटेल्स एनालिसिस इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन का डिटेल एनालिसिस कैसे होता है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वो सब प्रोवाइड करेगा DIV अपने बुलेटिन में। नाउ पब्लिश क्वेश्चन आंसर सेशन इन बुलेटिन। ये मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट्स रहते हैं उनके क्वेश्चंस कंप्लेंट के रूप में वहां पर लिख दिए जाते हैं और उसके आंसर्स उनको थेरेपी के रूप में दिए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में भी कई सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो नहीं पूछ सकते हैं मेडिकल हेल्प तक के, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन को देख कर या पढ़ कर अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सिक्स नंबर पे अपग्रेड्स मेडिकल स्टाफ अबाउट न्यू रिसर्च। मेडिकल स्टाफ को न्यू रिसर्च के बारे में, टेक्निक्स के बारे में और फार्माकोकाइनेटिक्स
फार्माकोडायनामिक ऑफ ड्रग्स के बारे में अवेयर करने का काम भी ये पूरे टाइम करते रहते हैं। क्या बताया मैंने, अपग्रेड करते हैं किसको, मेडिकल स्टाफ को, किसके बारे में, न्यू रिसर्च टेक्निक्स फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स ऑफ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक मतलब मैंने आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और फार्माकोडायनामिक्स मतलब मैं बता चुकी हूँ ड्रग इंटरेक्शन वगैरह जो होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडीआर होते हैं, वो सब फार्माकोडायनामिक का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। फंक्शन में क्या लिख लिया, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डीआईसी एंड हेल्थ प्रोफेशनल। हेल्थ प्रोफेशनल का मतलब डॉक्टर और नर्सेस। प्रोवाइड करंट अपडेट, उसके बाद बताया प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, फिर बताया गिव डिटेल्स एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, और फिर पब्लिश क्वेश्चन आंसर सेशन इन बुलेटिन, और फिर अपग्रेड मेडिकल स्टाफ अबाउट न्यूज रिसर्च टेक्निक्स फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स। नाउ अब हम देख रहे हैं अगला टॉपिक, वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब अगर डीआईबी में किसी को काम करना है या डीआईबी के लिए काम करना है तो उस पर्सन में कौन सी क्वालिफिकेशन या कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए, डी फार्म होना चाहिए, बी फार्म होना चाहिए, एम फार्म होना चाहिए। उसके बाद में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब समझता है आपको उस स्टेट का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में मेंबर ऑफ पीटीसी, पीटीसी का मतलब मैंने आपको बताया था फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का वो मेंबर होना चाहिए। उसमें उसको सारे नॉर्म्स सारी डिटेल्स जानकारी रहेगी कि क्या कौन सा नया ड्रग आया है, कौन सा नया मॉलिक्यूल आया है, क्या उसके साइड इफेक्ट है, क्या उसके एडीआर है, सब उसको पता रहेगा। उसके बाद में कंप्यूटर का लिटरेट होना चाहिए, कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी बात करने की जो लैंग्वेजेस है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। पॉसिबली उसको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, मराठी, जो तीन कॉमन लैंग्वेजेस है वो उसको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएट, एनालाइज एंड पब्लिशिंग। ध्यान से सुनेंगे, एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएट, एनालाइज एंड पब्लिशिंग। सारे जितने भी उसको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कलेक्ट करते आना चाहिए, इवैल्यूएट मतलब उसको चेक करते आना चाहिए, और फिर एनालाइज करके उसको पब्लिश करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया उसने लेकर छाप दिया। गलत चीजें नहीं फैलानी है, रूमर नहीं फैलाने हैं, क्योंकि इज रिलेटेड विद दी हेल्थ प्रोफेशन। किसी भी गलत चीज की जानकारी गलत तरीके से अगर स्प्रेड होगी तो वो पब्लिक का नुकसान कर सकती है, पेशेंट का नुकसान कर सकती है, वो चीजें उसको नहीं करनी है। क्या करना है, एबल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इवैल्यूएट, एनालाइज एंड पब्लिश। इवैल्यूएशन और एनालाइज मतलब वो जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन वो सही है या गलत है, ये उसको आप पता रहना चाहिए। उसके बाद में एबल टू अंडरस्टैंड दी न्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो भी नए नए रिसर्च के मेथड्स है उसके बारे में उसको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको नहीं समझेगा वो मेथड क्या है तो वो कैसे उसको अगले लोगों को समझा पाएगा। ठीक है, पहले खुद समझेगा, बाद में लोगों को पब्लिश करके समझा सकेगा। इसीलिए एबल टू अंडरस्टैंड दी न्यू रिसर्च मेथडोलॉजी, ये हो गया क्वालिफिकेशन। अगर कोई पर्सन डीआईजी के अंदर काम कर रहा है तो उसको ये चीजें का ध्यान रखना है और ये सब चीजें फॉलो करनी। नाउ मैंने अगले यहाँ पे लिख दिया है पॉसिबल क्वेश्चन। ये छोटा सा ही टॉपिक था डीआईसी और डीआईबी, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डीआईसी एंड डीआईबी, ये एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आपको हर साल एग्जाम में लिखेंगे, एक एक नंबर के लिए डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे लिखिए डेफिनेशन कि ये क्या होता है, पीरियोडिक बुलेटिन पब्लिश बुक लेड बाय डीआईसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। ये बस इतना ही लिखना है, एक नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद फंक्शंस ऑफ डीआईसी या डीआईबी, दोनों साथ में नहीं पूछेंगे, ऑब्लिक या तो डीआईसी के पूछ लेंगे या तो डीआईबी के, दो नंबर के लिए। चार फंक्शन आपने लिख दिया, दो नंबर पूरे लिखते हैं। उसके बाद डिफाइन डीआईसी और राइट इट्स सोर्सेस, जो कल हमने पढ़ा था प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स पढ़ा था ना, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। थ्री मार्क का क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। उसके बाद है नंबर चार, राइट क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फॉर डीआईबी, जो अभी हमने देखा ये छोटा क्वेश्चन, दो नंबर का। चार पॉइंट लिखने पड़ते हैं कि क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके साथ ही आज हम लोगों ने डीआईसी और डीआईबी ये टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, हमने उसमें क्या क्या लिख लिया उसका समराइज भी कर दिया, पॉसिबल क्वेश्चन भी बता दिया, और आज हमने क्या पढ़ा था, डीआईबी की डेफिनेशन, फंक्शंस ऑफ डीआईबी,